किचन, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। पकौड़े। पकौड़े का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है और बारिश के मौसम में पकौड़े और चाय गर्मा गर्म बहुत ही मजा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल बेसन के पकौड़े नहीं, रागी के पकौड़े बनाना बता रही हूँ। रागी, जिसको नाचनी भी बोलते हैं, और साउथ इंडिया में रागी का बहुत उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रागी के पकौड़े कैसे बनाएंगे। उसके पहले, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर कर बताइए आप कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। देखिए, रागी, जिसको नाचनी भी बोलते हैं, ये इस तरह की होती है। हम इसका आटा यूज़ करेंगे और रागी में बहुत हेल्थ बेनिफिट है। इसमें कैल्शियम बहुत अधिक होता है। डेयरी प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो रागी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप रागी का आटा लिया हुआ है। रागी के आटे में बाइंडिंग एजेंट नहीं होता है, तो हम इसको पहले इसको स्टिकी करने के लिए एक तरह की यहाँ पर हम लेई तैयार करेंगे। देखिए इसको कैसे तैयार करना है। लेई तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं 1.5 कप पानी डालूँगी। इसमें मैं 2 टेबल स्पून रागी का आटा डालूंगी और इसको मिक्स करते हुए मैं इसको उबालूंगी। मीडियम हीट पर ही गैस रखिए और इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए तो हमारा पूरा आटा पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और इसको उबाल आने तक चलाते रहेंगे। रागी के पकोड़े बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा ये जो लिक्विड था वो थिक होना शुरू हो गया है। बस हमको इसको कंटिन्यू चलाना है। देखिए, इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। बस हम इसको इसी तरह से चलाते हुए 25 से 30 सेकंड और इसको चलाएंगे। इस तरह से ये लेई बनाने से जो है हमारा आटा थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। बस ये हमारा तैयार हो गया है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो बचा हुआ रागी का आटा है उसको मिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डालेंगे क्योंकि जो हमारा लेई था उतने पानी से ये पूरी तरह से नहीं मिक्स होगा, तो हम ठंडा पानी भी इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में।
अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। और हमने यहाँ बचा हुआ आटा भी डाल लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर और पानी डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल बेसन के पकोड़े बनाते हैं उससे थोड़ी थिक ही रहेगी। यहाँ हम थोड़ा और पानी डालकर और इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। बस इस तरह की हमको कंसिस्टेंसी चाहिए है, जिस तरह से केक का बैटर होता है उस तरह की। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम काला नमक डालेंगे और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची ली हैं बारीक काट कर, इनको भी डाल देते हैं। और धनिया मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, ये भी डाल देते हैं और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे रागी के पकोड़े का बैटर तैयार है और इस बैटर को तैयार करने में 1 कप पानी लगा है। यदि आपका पानी ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप सूखा रागी का आटा डालकर इसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने लेई का पार्ट बताया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आप इसमें थोड़ा आटा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑलरेडी ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने 1 बाउल में पानी लिया है। हम अपने हाथ को इस तरह से पानी में गीला करेंगे और थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और यहाँ पर हम पकोड़े डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेके आप इस तरह से पकौड़े बना लीजिए। हम एक बार पकौड़ों को इस तरह से हिला देंगे, देखिए ये अपने आप ऊपर आ गए हैं और हम इनको थोड़ा सा कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करेंगे। हम पकौड़ों को एक बार और हिला लेते हैं और ये बनकर तैयार है। हम इनको निकाल लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल निकाल कर आप इनको निकाल लीजिए। इसी तरह से आप सारे पकौड़े तैयार कर लीजिए। लीजिए हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हैं। देखिए ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। लीजिए हमारे गर्मा गर्म रागी के पकौड़े बनकर तैयार हैं। इनको मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और रागी के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय आपकी इवनिंग का मज़ा दुगना कर देंगे। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है
तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए, और मेरे इस चैनल की लिंक को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हैव अ फैंटास्टिक डे।